खास है, शाम भी खास है, वक्त भी सुनेगा, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको है सांस है, तुझको है सांस है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनते हैं, और इससे मैंने आपको अपनी याद दिलाई, कुछ नए मुक्तक आपके बीच लेकर के आई हूँ, चार पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, मैंने तुमको चुना तुम भी मुझको चुनो, मैंने तुमको चुना तुम भी मुझको चुनो, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, तुम कहो मैं सुनू मैं कहूँ तुमको, तुम कहो मैं सुनू मैं कहूँ तुम सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो अपने मित्रों के साथ हैं, पर उनके विचारधारा कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती है, मिलती नहीं है, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा, बहुत बहुत मन आपका चाहिए। प्रीत प्रीत में एक रतन मैं जड़ू तुम जड़ू, प्रीत में एक रतन मैं जड़ू तुम जड़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ू तुम गढ़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ू तुम गढ़ो, उलझने सब सुलझ जाएंगी पर नहीं, उलझने सब सुलझ जाएंगी पर नहीं, उलझने सब सुलझ जाएंगी पर नहीं, एक कदम मैं बढ़ू तुम, एक कदम मैं बढ़ू तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ू तुम बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक गीत यदि आपकी अनुमति हो तो एक गीत मैं आपके बीच सुनाना चाहती हूँ, गीत को आपकी तालियों का साथ मिले तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं, आप सबसे क्षमा मांगते हुए, खासतौर से संदीप से क्षमा मांगते हुए, ये जो हजारों लोग यहाँ पर जाड़े में बैठे हैं, थोड़ा गुलाबी से सुरमेशी शाम आ गई, पत्रकार लोग बैठे हैं, कवि सम्मेलन में हम बहुत हंसे हैं, बहुत आनंदित भी हुए हैं, और इन दोनों की थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है जिसका रस भी आपने लिया है, उपसभापति जी भी बैठे हैं बहुत महत्ता के साथ। कवि सम्मेलन इसलिए है कि उसमें पहले कविता है, अगर वो नष्ट हो गया तो फिर कुछ नहीं बचने का है, जो कुछ भी चैनल पर चल रहा है, जो कुछ भी संचार के नाम पर चल रहा है, उस सब को हम देखते हैं, हम बहुत बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार है। मन आपका चाहती हूँ और गीत आपके बीच रखती हूँ। स्वागत। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, खुद पे खुद से भी ज्यादा उसका अधिकार जरूरी है, खुद पे खुद से भी ज्यादा उसका अधिकार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आप सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद। कुछ जो हम तक आगे वाली पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी से कहते हैं कि ये प्रेम प्यार करना तो बेकार की बात है, इसमें कुछ नहीं रखा है। वो अलग बात है कि उन्होंने अपने जीवन में भी उसी प्रेम प्यार के मौसम को जिया होगा, तब पंक्तियां उठाती हूँ और आपको समर्पित करती हूँ, सुनेगा। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, लोग जिसे कहते हैं बुरा वो जाने क्यों लगता है भला, लोग जिसे कहते हैं बुरा वो जाने क्यों लगता है भला,
ये वो जादू जिस पे चला हा, ये वो जादू जिस पे चला हा, ये वो जादू जिस पे चला फिर उसका दिल पे वश न चला, ये वो जादू जिस पे चला फिर उसका दिल पे वश न चला। प्यार खता है बड़ी खता, प्यार खता है बड़ी खता, हाँ प्यार खता है बड़ी खता, करना एक बार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। आप चीज के पास ही यहाँ बैठे हैं, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कैसे दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, आपके बीच पढ़ती हूँ। स्वागत कि मैं नदियाँ तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो, मैं नदियाँ तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो, तुम बिन सदा अधूरी हूँ मैं जीने का आधार बनो, तुम बिन सदा अधूरी हूँ मैं जीने का आधार बनो, मेरी हर एक कहानी में, मेरी हर एक कहानी में, मेरी हर एक कहानी में तेरा किरदार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। और गीत का अगला और अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। जब दो लोग एक दूसरे को सच्चा प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, और जब वो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो प्रकृति उनके लिए कुछ करती है, कुदरत उनके लिए कुछ करती है। तब पंक्तियां कहती हूँ सुनिएगा। स्वागत। जब स्वाति बूंद के लिए प्रेम वश चातक व्याकुल हो जाता, जब स्वाति बूंद के लिए प्रेम वश चातक व्याकुल हो जाता, तब प्रेम ही है जो बादल बनता और बूंदों में खो जाता, तब प्रेम ही है जो बादल बनता और बूंदों में खो जाता। जीवन की क्यारी में आंसू, जीवन की क्यारी में आंसू, जीवन की क्यारी में आंसू की बौछार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से आई हूँ, आपकी किसी भी बात का ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, आपकी हर बात का उत्तर दूंगी। मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ, मैं तो बीच में ही चुप हो जाऊंगा। और आप चिंता मत करो, ये आप तो उत्तर प्रदेश से आए हो अपनी जगह पे, ये छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हैं पूरे, ये पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आया है। देखिए संदीप जी, ऐसा है, मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और यही कहूंगी कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना। एक मिनट, या मालगाड़ी निकल जाने दो ताकि मेरे को ढंग से पता चले कि करना क्या है। तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, और रुक गई मालगाड़ी। कोई बात नहीं, आप ये बाईपास संचालन पहली बार सुन रही हूँ। बाई तो पास ही हो रही है। चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार। दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना की कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बेवक्त भी इनकार नहीं करता हूँ। हाँ, वो मेरा एक दोस्त चला गया बाहर कहीं विदेश, वक्त पे इनकार नहीं, बेवक्त भी नहीं करता हूँ। वो विदेश चला गया तो मैं रोज जाता था भाभी जी से पूछने, भाभी कोई काम हो तो बताना, आधी रात को तैयार। ऐसा है संदीप जी, आपके ऐसे ही लक्षण रहे तो घर पे आपका कार्यक्रम भी हो सकता है। मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, तहजीब मिल के रहने की
फकत आंगन सिखाएगा और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। कह लो जितना कहना है लौटकर घर ही जाओगे, कह लो जितना कहना है लौटकर घर ही जाओगे, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का उनका बेलन सिखाएगा, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का उनका बेलन सिखाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है मेरे को, मैं तो बेलन साथ में लेके आता हूँ और बीच में चुप हो जाऊंगा, मेरा क्या है। मैं तो मध्य प्रदेश से आया। संदीप जी, मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आपकी उम्र हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले उम्र का बहुत बखान भी हो चुका था, और इस उम्र में आप भजन वजन करें वही अच्छा है। हाँ, मैं चाहती हूँ। अच्छा, भजन तो ठीक है, इसमें भजन कैसे करना है? ये सही कर दो इसको, माइक को कर लो भैया, माइक वाले माइक तक सीटी मार रहा है, वो मालगाड़ी मार रही, मालगाड़ी मार रही है, वो आपको देख के जल रही है। ये ऐसा है संदीप जी, मुझे आरिफा शबनम जी की चार पंक्तियां याद आती हैं कि इसमें मालगाड़ी का या आपका कोई कसूर नहीं है। मैं यही कहूंगी कि नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते। नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख कर जुल्फे संवारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख कर जुल्फे संवारा हम नहीं करते। हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर, हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते। मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते। और रही बात आपकी उम्र की, और मैं आपको बता दूं भजन का अर्थ भी समझा देती हूँ आपको। चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ और बताती हूँ कि आपको इस उम्र में क्या करना चाहिए। बताओ बताओ। अभी ये जो अशोक सुंदरानी जी आए थे, ये नम्रता जी के जेठ जी थे, मेरे ससुर जी। और ये जो संचालन कर रहे हैं, ये मेरे जेठ जी हैं। और मैं इनको बताती हूँ कि साल भर में एक महीना जेठ का भी आता है। मुझे पता था तो ये जरूर बोलोगे। देखिए ऐसा है, मुझे भी पढ़ने दो। हाँ, मेरे पास ऐसा है संदीप जी, मैं इतनी देर से आपको सम्मान दे रही थी पर आप इस लायक है नहीं। जो इतनी देर से मैं बता रही थी मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरे जेठ जी हैं। मैं चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि नजर है जिसकी मैली, उसने सब मैला ही देखा है। नजर है जिसकी मैली, उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी विषैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। और पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, पूरे 30 दिन केवल राशन का थैला ही देखा है। ऐसा है, पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। एक बार तालियां बजा के आप उन्हें आदेशित करें। ये आदेश अभी तो आप दूसरी पास के लिए ही बजा दें, मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ। करते रहो करते। ये मेरे को जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। मेरे कई भजन, अपन तो खुद भजन करने के लिए तैयार है, अपन तो ढंग की साध्वी ढूंढ रहे हैं। देखिए इनका कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मैं कुछ एक तो दो है आपके बीच सुनाती हूँ, और आपका काम सिर्फ इतना है कि ठेकेदार दोहे हैं आपको, उसके पीछे पुचदार दोहे हैं, ठेके लगाने हैं आपको भी करना है। मैं बिल्कुल करूँगा, आपको भी समर्पित करूंगी, सुनिएगा। बस मुझे मत करो समर्पित, मैं तो बहुत मतलब समर्पित हो गया। सुनिए, कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगा,
गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात, हंस गाते बोलते कट जाएगी रात रात, ये है मतवाली बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली। वाह बहुत बढ़िया कीर्तन आपने किया। अब ये दोहा मैं आदरणीय को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। ऐसा है आपके साथ रहे आदरणीय जरूर हूँ लेकिन विश्वसनीय बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे पता है इसीलिए मैंने आपको पहले ही आदरणीय बोल दिया है, और विश्वसनीय नहीं हूँ इसीलिए समर्पित कर रही हूँ कि इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास, इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास, आज है इनके साथ तो कल उनके है पास, ये बिन पैंदी के लोटे कर्म है इनके घोटे, ये बिन पैंदी के लोटे। और अभी कह रहे थे कि मैं कोई साध्वी ढूंढ रहा हूँ, वैसे हालांकि ड्रेस तो रावण की पहन रखी है। सब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बार बार भूल जाते हो, इसी ड्रेस में रावण ने सीता हरण करा। हाँ मैं इसीलिए आपको सलाह भी दूंगी कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर गोपी जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। और रावण जी एक सलाह और दूंगी कि प्रेम प्यार को मानिए घोर मोह का जाल, प्रेम प्यार को मानिए घोर मोह का जाल, किया किसी जंजाल ने रावण का क्या हाल, छोड़कर सारे काम जपो तुम जैसी आराम। बहुत बहुत धन्यवाद।